ये जो बच्चा है इस्लामुद्दीन, आप सभी लोग पहचानते हैं, आपके घर का बच्चा है और ये हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे भतीजे भी हैं। इस तरह के जो भी बच्चे होते हैं होनहार तरीके के, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही बच्चों के लिए कहा था कि शाही कभी थककर नहीं, शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, और पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ही मुखातब करके अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसी शेर के साथ मैं अपने भतीजे जनाब इस्लामुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी बात पेश करें। बहुत खुद मुअज्जज सामईन इकराम, हाजरीने मिल्लत, बुजुर्गाने दीन और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज इस्तिकार साहब अपने कलाम को पेश कर रहे थे और महफिल को आगाज कर रहे थे, और मैं सबसे पहले अपने आवाम को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो नींद से बेदार होकर अपना मुख्तसर वक्त जलसेगा में दिया। दोस्तों, हमारा जो आज का मजमून है वो है तालीम, क्योंकि तालीम से आज हमारी आवाम इतनी दूर हो गई है जिसकी कोई हद नहीं कि अपने चंद पैसों के लिए बच्चों को परदेश भेज दिया जाता है, और जबकि तालीम की समंदर आज हमारे यूपी या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बह रही है, चाहे वो इदारे से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, चाहे अदर कॉलेज से हो, लेकिन उन समंदरों से दूर चंद पैसों के लिए बच्चों को परदेश भेज दिया जाता है। इसी पे हासिम फिरोजाबादी ने कहा अपने कलाम से, अपने कलाम में उन्होंने एजुकेशन की शिक्षा की जो है समंदर बहा दी, और मैं चाहता हूँ उस कलाम को पेश करने के लिए, पेश करने के बाद आवाम के दिल से जो उनके इस फुकदान दिल के अंदर ये बैठ गया है कि बच्चों को तालीम नहीं देंगे, नौकरियां नहीं मिलना है, इस कलाम को सुनने के बाद हमको लगता है शायद वो निकल जाए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं सारे आज सूख गए, इल्म के नदी के किनारे आज सूख गए, इल्म के नदी के किनारे आज सूख गए। वक्त अभी बाकी है इनको तुम पढ़ाओ, तुम ना आगे बढ़ सके इनको तू बढ़ाओ तुम। तुम्हारा मर्सियां सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे दोस्तों, आज हमारी कौम जिस मसले में दो चार है, उसमें सबसे बड़ा मसला तालीम की कमी है, और इसका फुकदान अफसोस इस बात की नहीं कि तालीम की कमी है, बल्कि अलमिया ये है कि हमारी कौम इस तालीम से बहुत पीछे जा रही है। आमतौर पर लोगों की ये बात जबानी सुनने में आती है कि बच्चों को तालीम देने से क्या फायदा, बच्चों को अच्छी तालीम देने से क्या फायदा, सरकारी नौकरी तो इनके मिलनी नहीं है। हमारे कौम के तालीम याफ्ता लोगों की एक कमी है जो इनके इस फरकूदा बयान को इनको दिलो दिमाग से नहीं निकाल सके। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है कि यही इदारे हैं और यही यूनिवर्सिटी हैं जिनसे यूरोप ने फायदा उठाया और अपने यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रांसलेट सेंटर और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ की अरबी जुबान में लिखी किताबों को अपने जुबान में ट्रांसलेट किया। यूरोप, ईरान, अमेरिका, चीन जैसे विशालकाय देशों ने
तहकीक और रिसर्च पर प्रमोट किया, समंदर झील तालाब नदियां जैसे बड़े बड़े पैमानों पर रिसर्च किया और उसका नतीजा यह है कि हमारे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कहा कि रिसर्च और तहकीक से पीछे ना हटो। और कुरान को सीने से लगाने वाली ये कौम तहकीक और रिसर्च से बहुत पीछे है। अंग्रेजी पढ़ाओ तुम बच्चों को मगर पहले, अंग्रेजी पढ़ाओ तुम बच्चों को मगर पहले, कुरान के नगमों से दिल इनका सजा देना, कुरान के नगमों से दिल इनका सजा देना। है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, नफरत को मिटा देना। कि जिस पेट पे पत्थर हो, अरे भूलो ना सबब उसका, जिस पेट पे पत्थर हो भूलो ना सबब उसका, भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला दे। क्या कहते भाई, बहुत खूब सुहाना। भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। बहुत खूब भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, जन्नत की जमानत है। तुम इनको खफा करके जन्नत ना गवा देना, तुम इनको खफा करके जन्नत ना गवा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमान का नफरत को मिटा देना। क्या बात है भाई, बहुत खूब। अंग्रेजी पढ़ाओ तुम बच्चों को मगर पहले, कुरान के नगमों से दिल इनका सजा देना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब।